तो आज से कुछ ही दिनों पहले गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर रिलीज हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे अपनी जिंदगी में कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हियर वी आर। तुम्हारे किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स ने अपने रंग बिरंगे इतिहास में अभी तक कई सारे रंग बदले हैं, फिर चाहे वो नीला हो, पीला हो, नारंगी हो, लेकिन ये गुलाबी के बारे में अभी तक नहीं सुना मैंने। लेकिन मॉन्स्टरवर्स की गॉडजिला एक्स कॉन्ग ने वो काम कर दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था, और वो है गॉडजिला को गुलाबी बना देना। एंड जहां पे कई सारे लोग हैं जिनको ये सारी चीजों से बहुत आपत्ति है, बट आई एम ऑल अप फॉर इट। मेरे को ये कलर पसंद आया और मैं देखना चाहता हूं कि इसके साथ इन लोगों ने इस मूवी में क्या किया होगा। लेकिन इससे बड़ी चीज है एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमना शुरू हो जाता है जब भी कोई चीज चेंज करी जाती है, और वो ये है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों होगा। Why is Godzilla pink all of a sudden? मतलब हम लोगों ने अभी तक मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला को ब्लू कलर में देखा है, एंड वही गॉडजिला का डिफॉल्ट कलर होता है जब भी वो अपने एटॉमिक ब्रेथ का यूज करना शुरू करता है। लेकिन हमने मॉन्स्टरवर्स में ही एक बार इससे पहले गॉडजिला को अपना कलर चेंज करते हुए देखा है, एंड दैट वॉज इन द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। बट वो करने का रीजन कुछ और था। उस टाइम पे गॉडजिला इवॉल्व हुआ था टेम्पररीली, क्योंकि उसको मोथरा ने इवॉल्व किया था और वो हाइपर रेडिएट होकर के एक लावा के फॉर्म में पता नहीं जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप का बन चुका था, और वो एकदम कूल ऑरेंजिश रेड टाइप का हो गया था। लेकिन इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि ये वाला चेंज काफी हद तक परमानेंट है, और ये सिर्फ कलर चेंज नहीं है, ये प्रोबेबली गॉडजिला को काफी हद तक इवॉल्व करके उसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। और जैसे मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी बताया था, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, कि ये चेंज सिर्फ इसके कलर तक ही सीमित नहीं है, इसको फिजिकली भी बहुत ज्यादा ऑल्टर कर देता है। उस पे हम आगे भी बात करेंगे। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों होगा, क्यों गॉडजिला अचानक से कलर, शेप, साइज सब चीजों में चेंज हो गया है, और क्यों हम इसे इवोल्यूशन बोल रहे हैं जबकि गॉडजिला फिजिकली भी डीपावर्ड सा लग रहा है। तो देखो, इसको लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हर कहीं पे घूम रही है, एक एक करके सबको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वो गॉडजिला है ही नहीं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये पिंक कलर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा वाला गॉडजिला नहीं बल्कि एक फीमेल गॉडजिला है जिसने उसकी जगह ले ली है, और ये इस पिक्चर में कॉन्ग की मदद करने के लिए आएगी, और हमारा मेल वाला गॉडजिला तो अभी हाइबरनेट करके सो रहा है मस्त। तो हाँ, थ्योरी सुनने में तो अच्छी है, लेकिन क्या पिंक है तो फीमेल हो गए? नहीं, आई डोंट अग्री विद इट। और उसका सबसे पहला रीजन ये है कि गॉडजिला और कॉन्ग्स के बीच में कई हजार लाख करोड़ साल पहले वॉर चलता था, एंड ये दोनों एक दूसरे के मॉर्टल एनिमीज हुआ करते थे, और इसी वजह से जैसे ही गॉडजिला कॉन्ग को सेंस करता है वो तुरंत ही आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इस मूवी के एंड तक वो दोनों एक सॉर्ट ऑफ ट्रूस से कर लेते हैं, मतलब अब लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार सोच के देखो कि इसकी जगह अगर कोई भी दूसरा गॉडजिला आ जाता है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसको इन दोनों बीच की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं पता, तो वो कॉन्ग जो इनके कई हजार लाख करोड़ साल पहले के मॉर्टल एनिमीज हैं, उसका हाथ बटाएगी। तो ये हमारा वाला ही गॉडजिला है 110%, बस इवॉल्व हो चुका है और कोई दूसरा गॉडजिला नहीं है, कोई चांस ही नहीं है उस चीज का। फिर इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है कि ये कुछ क्रिस्टल्स का लफड़ा है। अगर आपको नोटिस हुआ हो तो इस ट्रेलर में एक शॉट आता है जहां पे कॉन्ग एक गुफा में जाता है और वहां पर उसको कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं हॉलो अर्थ के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में इन क्रिस्टल्स का काफी हैवी रोल होने वाला है। ये प्रोबेबली कोई भी नॉर्मल क्रिस्टल्स नहीं है। इसका सबसे पहला रीजन इसीलिए है क्योंकि अगर आप नोटिस करते हो तो इस वाले शॉट में कॉन्ग के हाथ में जो एक्स होती है वो ग्लो करने लगती है, और वो एक्स गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट से बनी होती है। तो अगर वो प्लेट इन क्रिस्टल्स की प्रेजेंस में ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्रिस्टल्स किसी ना किसी फॉर्म में उस एक्स को चार्ज कर रहे होंगे। सो मे बी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यही क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल हो गॉडजिला को इवॉल्व कराने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए, जैसे वो इस प्लेट को चार्ज कर रहे हैं। मुझे पता है कि गॉडजिला हॉलो अर्थ में मौजूद नहीं है और वो सरफेस पे बैठा हुआ एंटार्क्टिका में, वहां अपने आप को चार्ज कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्रिस्टल्स यहाँ पे रह करके सरफेस पे अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और उसी पर्टिकुलर पॉकेट को गॉडजिला ने पिन पॉइंट करके ढूंढ निकाला हो, एंड वहीं से वो अपने आप को रिचार्ज कर रहा हो। मतलब समझे, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन क्रिस्टल्स के जस्ट ऊपर गॉडजिला हो सकता है जो इन क्रिस्टल्स की एनर्जी का यूज करके अपने आप को चार्ज करने की कोशिश कर रहा है, और इन्हीं क्रिस्टल्स की एनर्जी की वजह से उसको अपना पिंक कलर मिला है। वो क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये ना भी हो तो मुझे फिर भी लगता है कि क्रिस्टल्स इस मूवी में कोई ना कोई बड़ा रोल जरूर प्ले करेंगे, और ऐसा हो सकता है मे बी गॉडजिला को अपनी पावर्स ना दे लेकिन स्कार किंग को दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो स्कार किंग की आंखें कुछ अलग ही रंग की हैं, और हो सकता है कि ये क्रिस्टल की वजह से हो। आई मीन आई डोंट सी हिम हैविंग एनी पावर्स, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि वो जितने भी एप्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, वो इसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसके कमांड में है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना इसके पास जो इसको
बाकी एप से तगड़ा बनाता है। तो आई थिंक वही चीज इसको ये क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं। और फिर इसके बाद आती है तीसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि सही होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब इस पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना क्योंकि बहुत अजीब सी है। तो आपको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेका गॉडजिला याद है, अब उसको गॉडजिला से एक बार कंपेयर करके देखो। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमारा गॉडजिला थोड़ा बल्कि था, उसके हाथ छोटे थे, और क्योंकि मेका गॉडजिला उसके कंपैरिजन में थोड़ा लीन था, उसके हाथ लंबे थे और वो प्रोबेबली मशीन से भी बना हुआ था, तो इसी वजह से वो हमारे वाले गॉडजिला को बहुत ही आसानी से रगड़ देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद गॉडजिला ने सोचा होगा कि भाई चेंजेस की जरूरत है जीवन में, और फिर वो गया हाइबरनेट करने के लिए। एंड दैट इज वाई जब हम गॉडजिला को इस पार्ट में देखते हैं तो मेका गॉडजिला की तरह लीनर है, उसके हाथ लंबे हो चुके हैं और उसका एनर्जी सिग्नेचर भी भले मेका गॉडजिला की तरह रेड ना हो लेकिन कुछ कुछ उसी से रिजेंबल करते हुए कलर का है। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सब कुछ गॉडजिला इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मेका गॉडजिला से हार गया था पिछली वाली मूवी में, और उसने जब इस पूरी चीज को असेस करने की कोशिश करी होगी तो उसको रियलाइज हुआ होगा कि उसको फिजिकली अपने आप को ऑल्टर करने की जरूरत है, एंड दैट इज वाई वो हाइबरनेट करके अपने आप को फिजिकली ऑल्टर करता है। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि क्या गॉडजिला ऐसा कर भी सकता है, मतलब फिजिकल ऑल्टरेशन गॉडजिला के लिए पॉसिबल भी है? इसका जवाब है हाँ, हम लोग गॉडजिला के इतने सारे वर्जन्स देख चुके हैं तो उसमें गॉडजिला ने कई बार अपने आप को फिजिकली चेंज किया हुआ है। मतलब मैं टोहो के वर्जन्स की बात कर रहा हूं तो उसमें गॉडजिला अपने आप को चेंज कर लेता है, और अगर आप इस वाले शॉट को क्लोजली नोटिस करोगे तो हम यहां पर उसकी डॉर्सल प्लेट्स को लिटरली उसकी बोन से निकलता हुआ देख सकते हैं। मतलब यहां पे कलर का डिफरेंशिएशन हमको समझ में आ रहा है और हम उसकी डॉर्सल प्लेट्स और बोन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्लियरली पता लग रहा है कि वो अभी भी इवॉल्व कर रहा था, उसकी बोन्स और डॉर्सल प्लेट्स अलग अलग नहीं हुई है। तो ज्यादा मुझे लगता है तो कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्सडे था, मतलब आप उसको जितना मारोगे वो उतना ज्यादा अपने आप को इवॉल्व करता जाएगा ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाए, बस यहां पे वो अपने आप को उतनी स्पीड से इवॉल्व नहीं कर सकता, मतलब अत्यंत तुरंत में काम नहीं होगा, कुछ साल महीने दिन का समय लेना पड़ेगा, और इसीलिए गॉडजिला एंटार्क्टिका में जाकर अपने आप को हाइबरनेट करता है सो दैट ही कैन बिकम स्ट्रांगर। और ये मेका गॉडजिला वाली चीज थोड़ी और भी ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है अगर आप ऐसे सोच के देखो कि मेका गॉडजिला को जो एनर्जी सिग्नेचर मिले थे वो हॉलो अर्थ से थे, जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में लोग हॉलो अर्थ में जाते हैं और वहां के एनर्जी सिग्नेचर्स को ऊपर भेजते हैं, तो इसी वजह से मेका गॉडजिला वाज रेड। और ये मेका गॉडजिला वाली थ्योरी थोड़ी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब आप इसको ऐसे सोच के देखो कि ये काम करने के लिए, मतलब अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, गॉडजिला उसी सेम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके मेका गॉडजिला को क्रिएट किया गया था, और वो है हॉलो अर्थ की एनर्जी। मतलब मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये लोग गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हॉलो अर्थ के अंदर जाते हैं और वहीं के एनर्जी सिग्नेचर्स इस्तेमाल करके मेका गॉडजिला को जिंदा किया जाता है तो प्रोबेबली गॉडजिला ने उसी चीज को सेंस कर लिया हो मेका गॉडजिला से फाइट करते वक्त, या फिर गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ मारी थी तो तब उसने नोटिस कर लिया होगी ये चीज, और फिर उसने वही सेम एनर्जी सिग्नेचर को ट्रेस किया और उसे वो एनर्जी सिग्नेचर मिले एंटार्क्टिका में जिनका इस्तेमाल करके उसने अपने आप को हाइबरनेट किया, विच गिव्स हिम द पिंक कलर दैट मेका गॉडजिला का लाल था इसका पे मतलब पोटैटो पोटैटो थोड़ा सा, और वो सब तो ठीक है। मेरा सवाल इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है और वो ये है कि अगर आपको हॉलो अर्थ की एनर्जी ही चाहिए थी तो फिर आप हॉलो अर्थ में ही क्यों नहीं चले गए? आई मीन व्हाट इज सो बैड इन हॉलो अर्थ कि आपको सरफेस पे रहकर ही हॉलो अर्थ के एनर्जी सिग्नेचर्स ढूंढने पड़े? ऐसा क्या है हॉलो अर्थ में कि हमारे किंग की इतनी फट रही है वहां जाने से? लेकिन इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो जो मेरे दिमाग में था मैंने आप सबको वो चीजें बता दी, आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे, तो अपने थॉट्स ओपिनियंस आई वांट टू नो एवरीथिंग। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नए हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट, भूल ही जाते हो आप तो जान से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज गुलाबी शाम बाय 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 बाय। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए, मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए।